मालगाड़ियों में गार्ड की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए बनारस रेलवे कारखाना और RDSO ने संयुक्त रूप से मिलकर एक डिवाइस बनाया है जो गार्ड का पूरा काम करेगा। अब रेलवे की ओर से मालगाड़ियों पर गार्ड की व्यवस्था समाप्त की जा रही है। मालगाड़ियों का संचालन ऑटोमेटिक सिस्टम एंड ऑफ ट्रेन टेलीमेट्री से किया जाएगा। इस प्रणाली का सफल प्रयोग उत्तर मध्य रेलवे के GMC कानपुर यार्ड से टुंडला के बीच किया गया। इस प्रयोग के बाद 900 डिवाइस तैयार करने का ऑर्डर बनारस लोकोमोटिव वर्कशॉप को दे दिया गया है। इन डिवाइस को उत्तर मध्य रेलवे के झांसी, प्रयागराज व आगरा मंडल से संचालित मालगाड़ियों में लगाया जाएगा। रेलवे को सबसे अधिक राजस्व देने वाली मालगाड़ियों के सुचारू रूप से संचालन में गार्ड की अहम भूमिका रहती है। हर स्टेशन पर सिग्नल एक्सचेंज कराना, वैगनों में कोई गड़बड़ी दिखने पर ड्राइवर को सूचित करने के बाद हैंड ब्रेक लगाकर गाड़ी की गति को धीमा करना, खतरा भांपना, लूप लाइन में मालगाड़ी को खड़ा करते वक्त कोई डिब्बा दूसरी लाइन पर तो नहीं, दूसरी लाइन से गुजर रही ट्रेन का ध्यान रखना जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य करने पड़ते हैं। मगर अब बनारस रेल इंजन कारखाना व RDSO लखनऊ रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन एक आधुनिक उपकरण OTT एंड ऑफ ट्रेन टेलीमेट्री बरेका की ओर से नई सिस्टम प्रणाली को मालगाड़ी तैयार किया है में लगाकर ट्रायल किया गया। उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर शिवम शर्मा ने बताया कि इसके डिवाइस की मदद से गार्ड के बिना ही मालगाड़ी का संचालन किया जा सकेगा, ब्रेकवैन की आवश्यकता खत्म हो जाएगी। इस डिवाइस का प्रयोग एक मालगाड़ी को GMC पावर केबिन कानपुर से टुंडला तक 235 किलोमीटर दूरी तक दौड़ा कर किया गया।